5 अगस्त 2019 के बाद में बदलते कश्मीर की तस्वीर जानने के लिए 25 लाख की आबादी वाले गुर्जर समुदाय से जुड़े कर्नल देवानंद गुर्जर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे और आप सभी को बता दूं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट पर आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। तो कर्नल साहब, स्वागत है आप सभी का थैंक हमारे यू, शो के बहुत बहुत अंदर। धन्यवाद और आपका। आप इस जो ये एक्ट है 2019 के बाद में जो बदलता कश्मीर और वहां की जो तस्वीरें हैं उनके बारे में आप जी, हमें सबसे बताइए। पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, कश्मीर के अंदर एक 370 धारा ऐसी थी जिसके कारण बहुत सारे बड़े समुदाय को, जिसके अंदर शेड्यूल ट्राइब भी आते थे, शेड्यूल कास्ट भी आते थे, गुरखास भी आते थे, जो अंग्रेजों के जमाने में, महाराजा के जमाने में वहां की उनकी सेना में थे, और भारत के विभाजन के दौर में करीब जो भारत पाकिस्तान से जो इस तरफ जो नागरिक आए थे, बहुत सारे लोग प्रभावित थे, करीब 50 लाख के आसपास। पर इसमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो गुर्जर समुदाय की है जो शेड्यूल ट्राइब में आती है। तो ये इफेक्टेड थी, ये किस प्रकार थी? तो देखिए, 370 के कारण वहां पर बहुत सारे जो हमारे केंद्र सरकार के जो एक्ट्स थे वो लागू नहीं होते थे, क्योंकि वो उसके अंदर अनिवार्य हो जाता था कि कश्मीर की जो विधानसभा है, जब तक वो पारित नहीं करेगी लागू नहीं हो सकते हैं। ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एक पेस था, जिसको 5 अगस्त 2019 के दिन देश के पार्लियामेंट ने उसको हटा दिया और डिलिमिटेशन कानून ला करके उसके अंदर एक नई शुरुआत की। आपने खुद ने कहा कि एक बदलता कश्मीर, कश्मीर बदलता भारत, जो एक सत्य बात है। उसके बाद देखिए, वहां पर जिस प्रकार से टेररिज्म की गतिविधि में कमी आई है, जिस प्रकार से वहां 25 लाख गुजर समुदाय, आपने उसकी चर्चा की, उनको न्याय मिला है एसटी एक्ट के माध्यम से, फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से। करीब 8 लाख के आसपास वहां शेड्यूल ट्राइब थे, उनको अपने हक मिले हैं। अब ये दोनों एक्ट इतने जरूरी क्यों है, जैसा आपने पूछा, कि बाकी मैं इन दो पे क्यों चर्चा आप करना चाह रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि 1991 के अंदर चंद्रशेखर जी की सरकार होती है, और बिल्कुल वो सरकार क्या पारित करती है, शेड्यूल ट्राइब एक्ट पास करती है देश के अंदर विभिन्न इलाकों में, जैसे भी देश की परिस्थिति, नागरिकों को वो लाभ देने के लिए। तो उसके अंदर कश्मीर के गुजरों को 100% उनको एसटी आरक्षण दिया गया। पर देखिए, 370 की आड़ में वहां पे विभिन्न जो परिवारों की सरकारें थी, चाहे मुफ्ती की सरकार हो, चाहे अब्दुल्लाज की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन्होंने एसटी आरक्षण के अंदर गुजरों को नौकरी में तो आरक्षण दिया, वो छोटे मोटे, पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया उसको, इसलिए, और एट्रोसिटी एक्ट भी नहीं लगाया, क्योंकि वहां गुजर आर्थिक तौर पे कमजोर है। मैं आपको बता दूं कि 1947 से लेकर के जिस प्रकार वो लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन लगी थी, उसके अंदर भी माना जाता, आप भी चर्चा करते रहते हैं, कि जब भारत की सेना पीओके पे कब्जा करने जा रही थी तो आगे नहीं बढ़ने दिया गया था और बिल्कुल सेना को रोक दिया गया था। सेना को जहां रोका गया था वो पहाड़ियां थी जहां पर दोनों तरफ गुजर बाहुल्य थे, तो बीच के अंदर लाइन आ गई। तो ये जो लोग पहाड़ों में रहते थे, उनकी बिचारों की शिक्षा वैसे नहीं थी, उनका धंधा वैसे बंद हो गया, और लड़ाई के कारण बॉर्डर एरिया में उनका कभी ग्रोथ नहीं हो पाई। और ये एसटी का जो लाभ, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया, एसटी एट्रोसिटीज एक्ट लागू नहीं किया, जिसके कारण उनकी बड़ी प्रताड़ना होती थी। तो जब फॉरेस्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट जब अभी 2019 के बाद सरकार ने दिया है, तो सबसे बड़ा बदलाव साहब एक ही आया कि वहां पर जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है, आपको भी पता है डीडीसी के रिसेंटली चुनाव हुए हैं, बिल्कुल उसके चुनाव में अंदर भी अच्छे जी नतीजे सामने आए। बहुत पीसफुल हुआ है, कश्मीर के नागरिकों ने, देश ने दिखा दिया कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। पर उसके अंदर पहली बार, जहां पहले गुर्जर समुदाय के सिर्फ 2 से 3 लोग जीत करके आया करते थे, अब वो भी एक परिवार के आते थे साहब, दादा, पोता, बेटा, मतलब परिवार चलता था। पहली बार 39 डीडीसी, 42 शेड्यूल ट्राइब में से गुजर जीत के आए हैं, क्योंकि ये 25 लाख की आबादी है साहब, तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, और ये पहाड़ियों में रहते हैं, शिक्षा नहीं है, इनके पास संसाधन नहीं है, ये घुमंतू लोग हैं, सर्दी के मौसम में नीचे इलाके आते हैं, गर्मी में पहाड़ों में जाते हैं, कुछ भी इनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो इस शेड्यूल ट्राइब एक्ट के वहां आने से इनकी प्रतिनिधित्व बढ़ी है, और एक बड़े मजे की बात है, धन्यवाद सरकार का, धन्यवाद नागरिकों का, धन्यवाद देश का, जो 39 जीत करके आए हैं साहब, उनमें से 32 तो पहली बार कंटेस्ट किया ऐसा बताया गया है, और 15 महिलाएं बच्चियां आई हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आया, अब वो अपनी मांग रख सकते हैं। ये तो पहली बात हुई, देखिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन मैं है आपको एक बात बताऊं कि जब जी से साहब, पहले तो कश्मीर को भारत से अलग कहा जाता था, अलग कहा जाता, लेकिन अब जब से कश्मीर भारत में आ चुका है और वहां पे जब से डीडीसी के चुनाव चुनाव, वगैरह हुए बिल्कुल, हैं, तब से कश्मीर की स्थिति बहुत बदल गई है। बहुत वहां बदल पर बहुत शांति का माहौल भी है, जी, लेकिन दूसरी ओर बॉर्डर बॉर्डर पे लगातार युद्ध देखने को मिल रहे हैं,
कभी चाइना तो कभी कोई और। आपने आपकी इस बात से पहले मैं थोड़ा सा आपके फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर आपकी बात छूट गई थी, मैं पूरी कर दूं, इजाजत दें तो बिल्कुल आप, तो बिल्कुल उसमें क्या था कि इसके कारण एक बदलाव आ गया। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या था कि देखिए साहब, ये जो गुजर बकरी जिस समुदाय के साथ मैं जुड़ा हूं, जहां हमारे लोग कार्य कर रहे हैं, तो मैं देश को बताना चाहूंगा, जिस दिन 370 हटा था 5 अगस्त को, और किसी ने तिरंगा लेकर के समर्थन किया था भारत का और इस संविधान में बदलाव का, वो गुजर थे। नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि ये ज्यादातर पहाड़ों में रहते हैं, जैसे मैंने आपसे चर्चा की, इनको शिक्षा नहीं है, इनके पास गरीबी है, भेड़ बकरी हैं, घुमंतू हैं, और ये जंगलों में रहते थे डर के मारे। तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 1970-80 के बीच में देश में आता है, इसको 2006 में गवर्नमेंट ने इनके पूरा राइट्स दिए जो जंगल में रहने वाले हैं, बड़े सोच समझ के। कश्मीर की सरकार ने, कोई भी सरकार आई, इन्होंने नहीं दिया, वो दे सकती थी चाहती पर नहीं। इसमें था क्या? इसमें देखिए साहब, जो घुमंतू और वन में रहने वाले लोग हैं, जैसे हमारे इस एक्ट में दिया गया कि पहला हक इनका है और उसके साथ साथ नेचर को भी बचाना है। आपने देखा होगा कि जिसकी मर्जी आती थी जंगलों में, क्योंकि रहते थे, इनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी, इनके घर के पट्टे नहीं थे, ये घुमंतू थे, ये बहक का सिस्टम होता है, चराने पहाड़ों में जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो इनकी बहुत बुरी स्थिति। अब फॉरेस्ट हुआ क्या है साहब कि ये लागू हो गया, लागू होने से क्या हो गया कि हर ग्राम सभा के लेवल पर फॉरेस्ट कमेटीज बनेंगी गांव की। वो कमेटी, अब इनके कोई भी झगड़े होंगे दो तरीके से, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक कम्युनिटी लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे वो अपनी अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा क्या समस्या है, क्या जमीन है। कम्युनिटी लेवल पे जैसे पहाड़ों में जाते थे, चराने की जगह बहक है, तो ये सारों में प्रावधान सरकार ने कर दिए हैं। और मैं आपके माध्यम से कश्मीर के मेरे नागरिकों को, भाइयों को बताना चाहूंगा, हकूक सरकार ने दिए हैं, पर जो हमारे राइट्स लेना हमें लेना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। आपको जो तंत्र में प्रक्रिया बताई है ग्राम सभा में, जिस प्रकार फॉरेस्ट कमेटी बने उसका पालन करें। कोई अनियमितता की शिकायतें आई थी, हमने चर्चा की और सरकार सुधार कर रही है, नहीं कर रही है, तो हम उठाएंगे मुद्दे। तो मैं ये मानता हूं फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है, अब हमको अपने हकूक लेने हैं। और सरकार से भी गुजारिश है कि आपके अधिकारियों को बोलिए कि वो कमेटी अपनी मन की मर्जी से नहीं करें। संविधान में दिया गया है एक तिहाई उसके अंदर से एसटी कैटेगरी के होंगे और 1/3 महिलाएं होंगी। अगर 15 अगर आप उस ग्राम सभा में बनाते हैं तो 10 एसटी के होंगे। अब वो लोगों को पता होना चाहिए और अपने हक है, जमीन के नाम है, 3 महीने का समय है, ज्यादा चाहिएगा सरकार ज्यादा देगी। तो ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने अगला सवाल किया बिल्कुल, मैंने कि शांति आई, बिल्कुल शांति आई। देखिए, जब 25 लाख आबादी आप में विश्वास करती है देश में, क्योंकि देखिए साहब, पहले भी ये देशभक्त लोग थे, ये सरकार और सेना के साथ थे, पर अब इन्होंने जो संदेश दिया है शांति का, तो अंदर तो आप देख रहे हैं शांति बहुत हद तक हो चुकी है, सरकार भी बहुत एक्टिव है, नागरिक भी है। और वैसे भी कश्मीर के 90% लोग तो बेचारे शांति प्रिय हैं साहब, बदमाश तो बाहर से थे। अब जो आपने सवाल किया कि देखिए अंदर तो शांति आ गई, पर बॉर्डर पे, बहुत अच्छा सवाल किया साहब, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। देखिए कि जिस दिन ये हमारा बदलाव आता है तो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर महोदय कहते हैं कि हम अब पीओके लेंगे, और पीओके यानी एक्साइचिन, ये एक्साइचिन गड़बड़ का शब्द बोल दिया उन्होंने चीन के लिए, चीन की नींद उड़ गई, क्योंकि चीन एक गलियारा बना रहा है पीओके के अंदर, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर से, और वो हमारा नीचे समुद्र से जाके मिलता है। जब भारत सरकार ने उसका विरोध किया, वो मानते नहीं थे, पार्लियामेंट में पास कर दिया, तो वो हताशाए हो गया। उसने क्या किया, वो दबाव बनाने के लिए हमारे पास अरुणाचल और एक्साइचिन में, जहां हमारा 1962 में 37,900 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया था, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा सक्ष गांव वैली जो पाकिस्तान ने दिया, यूं करके टोटल 42,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में। उन्होंने उधर से दबाव बनाना शुरू किया और गलवान के अंदर, जिस तरह आपको पता है, पर चीन भूल गया, ये देश बदल चुका है, ये सरकार वो नहीं है जो आप कब्जा करेंगे चुप बैठेगी। भारत के सैनिकों ने, सरकार ने, नागरिकों ने चीन को जो जवाब दिया गलवान में, हमारे बीच वीर गति को प्राप्त हुए। पर देखिए साहब, उन्होंने चीन को ऐसा धराशायी किया है कि चीन खड़े होकर देख नहीं पा रहा है। अब चीन अब दोबारा नहीं आ पाएगा वहां पे, उस मौके पे नहीं आएगा। पर देश को आगाह करूंगा कि चीन चुप बैठने वाला नहीं है। अब ये देखिए, कोरोना वायरस बीमारी है, बैठने वाला नहीं है, बिल्कुल भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। हमें जागरूक बदलता भारत है, और ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार आने वाले टाइम पे
कुछ बड़ा बदलाव भी कर सकते, देश बदलाव करेगा, मुझे देश पे पूरा यकीन है। सरकार हमारी चौकन है, सेना हमारी बहादुर है, और कश्मीर के नागरिक अब एक साथ खड़े हो गए हैं कि देश की तरफ कोई आंख उठाएगा हम स्वीकार नहीं करेंगे। सरकारें आए सरकारें जाएं, पर आपने बहुत सही कहा, देश बदल रहा है, देश इसके तैयार है, इस चुनौती का सामना करने के लिए। एक ही मेरा आग्रह है देश से और आपसे भी कि देखिए, देश के बाहर की ताकतों से लड़ने के लिए सेना सक्षम है, सरकार सक्षम है, हमारी इंटेलिजेंस है, कुछ अंदर जो देश के दुश्मनों की जो आवाज बोलते हैं उनका बहिष्कार आप करें, उनको एक्सपोज आप करें, और देश के अंदर जो देश को बदनाम करने का दुनिया में काम करते हैं, घर घर में लड़ाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाओ फैसला करो, पर देश को जो अंदर से रह करके कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप मेरा सबसे आग्रह है उनको एक्सपोज किया। बिल्कुल, अब ये बदलता हुआ भारत है और इस बदलते हुए भारत पर आखिर अब कोई भी राज नहीं कर सकता है। तो इस खास मुलाकात के अंदर बस इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज, नमस्कार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर चुकी हैं। राजस्थान को इस केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें भी थी लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। कोरोना लॉकडाउन के बाद प्रदेश विकट आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। केंद्रीय बजट से उम्मीद पूरी नहीं होने पर अशोक गहलोत सरकार अब प्रदेश के विकास के लिए नए सिरे से रोड मैप तैयार करने की विवश हो चुकी है। राज्य सरकार के इसी माह पेश किए जाने वाले राज्य के संभावित बजट के लिए वित्त विभाग अब नए सिरे से रणनीति बना रहा है। राज्य सरकार अपनी योजनाओं का आकार कम कर सकती है या फिर उनमें कटौती भी कर सकती है। वित्त विभाग के आला अधिकारी स्वास्थ्य, शहरी विकास और पेयजल की योजनाओं के लिए धन जुटाने के विकल्प भी तलाश कर रहे हैं। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने राजस्थान को सबसे ज्यादा 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति दी थी लेकिन सहायता राशि बढ़ाने की उसकी मांग अभी तक पूरी नहीं की है। वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों की माने तो गहलोत सरकार अपने बजट की योजनाओं में कटौती की कैंची चला सकती है। धन के अभाव में सरकार के लिए अपनी योजनाओं को यथावत रखना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होगा। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा नए सिरे से बजट पर अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए दौसा के पूर्व पुलिस अधीक्षक आईपीएस मनीष अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मनीष अग्रवाल से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड भी मांग सकते हैं। वहीं भ्रष्टाचार के इस केस में आरोपी आईपीएस से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मनीष अग्रवाल जहां भी जिस पद पर रहे हैं वहां पर हमेशा विवादित रहे। गिरफ्तारी के बाद पूर्व एसपी अग्रवाल की मंगलवार रात एसीबी की हवालत में कटी है। तो वहीं भ्रष्टाचार के मामले में पहले एसीबी के रडार और अब गिरफ्त में आए आईपीएस मनीष अग्रवाल पर दौसा पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए सड़क निर्माण कंपनी से 38 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। इनमें 4 लाख रुपए मासिक बंदी के हिसाब से 7 महीनों के 28 लाख रुपए की मंथली और 10 लाख रुपए एक केस को रफा दफा करने के मामले में रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं एक और कंपनी से बतौर रिश्वत 31 लाख रुपए वसूलने का भी आरोप है और इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के एक केस को रफा दफा करने के लिए 25 लाख रुपए की घूस मांगने की भी उन पर आरोप है। इसकी जांच चल रही है और मनीष अग्रवाल के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भी घूस लेने के आरोपी की पुष्टि हुई। एसीबी ने भ्रष्टाचार के इन सभी मामलों में अहम तथ्य भी जुटा दिए हैं। नाग नागिन मंदिर के निकट प्रॉपर्टी डीलर अश्विनी शर्मा उर्फ गोल्डी पर 2 साल पहले हुई फायरिंग मामले में नयापुरा पुलिस ने अब 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 5 बदमाशों पर 2,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। प्रॉपर्टी विवाद तो दोनों पक्षों में काफी समय से चल रहा था और फायरिंग की वारदात 2 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर गोल्डी ने बदमाश असलम चिंटू के ऑफिस के बाहर जाकर के हंगामा किया था। नयापुरा CI भवानी सिंह ने बताया कि बजरंग नगर निवासी अश्विनी शर्मा उर्फ गोल्डी पर नाग नागिन मंदिर के पास 4 सितंबर 2018 को 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने फायरिंग की थी। उस वक्त गोल्डी ने नाले में कूदकर अपनी जान बचाई थी और मामले में पुलिस ने अब सरफराज खान पुत्र इस्लाम खान निवासी अमृत नगर थाना बोरखेड़ा, लक्की उर्फ रियाज सईद रफीक निवासी जमान चौक कोटड़ी, मोहम्मद जुबेर
पुत्र मोहम्मद जफर निवासी कोटरी, अबरार हसन पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी पानी की टंकी के पास मोखापाड़ा थाना कैथुनी पोल, सलमान पुत्र समद निवासी नयापुरा के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया जाना पर बर्बाता गिरफ्तार कर दिया है। 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक सत्र से एक दिन पहले 9 फरवरी को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर होगी। कटारिया ने कहा कि बैठक में सभी विधायकों के पहुंचने की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सत्र की तारीख घोषित होने से पहले ही कई विधायकों ने तैयारियां शुरू कर दी और अच्छी संख्या में बीजेपी के विधायकों ने सवाल भी लगाए हैं। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात के साथ ही कई जगह अटके विकास कार्य और सरकार पर लग रहे पक्षपात के आरोपों पर सवाल पूछे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने विकास कार्यों के लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों को लगभग पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बात सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। कटारिया ने कह दिया कि कई जगह सरपंचों ने विकास कार्य रोके जाने पर भी विरोध जताया है। महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने को उज्ज्वला योजना में दिए गए गैस सिलेंडर और चूल्हे की आग, महंगाई में ठंडी पड़ गई है। गरीब परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर तो दे दिए लेकिन गैस के दाम बढ़ने से लाभार्थी इन्हें रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। योजना में मुफ्त बांटे गए घरेलू गैस के कनेक्शंस में कोरोना काल के दौरान 3 सिलेंडरों की मुफ्त रिफिलिंग भी की गई है, मगर अप्रैल में गैस सब्सिडी बंद होने और दिसंबर के बाद कीमतों में अचानक लगी आग ने गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए 2 वक्त की रोटी बनाना मुश्किल कर दिया। राजस्थान में महंगाई के चलते शत प्रतिशत उपभोक्ता सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने सरकार की धुआं मुक्त भारत की योजना को भी पलीता लगा दिया और काफी परिवारों ने महंगाई के कारण गैस के चूल्हे के स्थान पर लकड़ी और कोयले का चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है। यानी फिर से गरीब महिलाएं टीवी जैसी बीमारी के करीब पहुंचेंगी। तेल कंपनियों के आंकड़ों पर नजर डाले तो सिर्फ 30% से 35% ही उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता रेगुलर सिलेंडर भरवा रहे हैं। दरअसल सितंबर से सिलेंडर के दाम 700 रुपये तक पहुंच गए थे और पिछले 9 महीने से सब्सिडी भी बंद है। ऐसे में इसका सीधा असर योजना के कनेक्शनों पर दिख रहा है। मार्च 2020 में 845 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर था और इस पर 245 रुपये सब्सिडी आती थी, जबकि अप्रैल 2020 से सिलेंडर 600 रुपये का हो गया और उसके बाद अब ये सिलेंडर 700 रुपये में मिल रहा है। लेकिन सब्सिडी के पैसे पर कैंची चल चुकी है और मुफ्त लाभ के सिलेंडर की गैस खत्म होने और दाम बढ़ने से उज्ज्वला गैस के सिलेंडरों की रिफिलिंग से उपभोक्ताओं ने मुंह मोड़ लिया है। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सादा न्यूज़। नमस्कार। हर कोई चाहता है।